सबसे पहले काराकाट की धरती, बारूद की धरती को मेरा सादर प्रणाम। भाई हमारे सिखौले हैं, सब कोई के गोड़ लग गई थी। मंच पे उपस्थित हमारे जितने भाई हैं, प्यारे भाई हैं, भैया हैं, गार्जियन हैं, सामने हमारे कुछ गार्जियन बैठे हैं, भैया बैठे हैं, भाई बैठे हैं, हमारे माता बहन बैठल बाड़ी जा, और आप लोगों के तरफ शुरू से भगवान बोली जा। मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ। जो लोग आप बोलते हैं ना कि पावर स्टार, सुपर स्टार, भोजपुरिया राजा, जिद्दी आसी, पता नहीं क्या क्या आप लोग नाम देते रहते हैं, तो मैं कुछ नहीं हूँ। जो कुछ भी हूँ आप सबके आशीर्वाद हो। बस सबके पैर छूके प्रणाम करते नहीं को ताली बजा के आशीर्वाद दे दीजिए। बत्तीस साल पहले एक गांव में लड़का रहता था जिसका नाम पवन। हमके गांवों में बड़ा चिढ़ावा सा, अरे पवनवा, और उस गांव के एक लड़के को आप लोगों ने इतना आशीर्वाद दिया, इतना आशीर्वाद दिया कि एक भोजपुरी के रीजनल सिंगर को आप लोगों ने वर्ल्ड में स्थान दे दिया। इसलिए बोलता हूं कि आप सब मेरे लिए भगवान। बीस साल से आप लोग अपने भाई को हीरो बना के रखे हैं फिल्मी दुनिया में। बहुत लोग आवेला, छटहा लागल, हवा लागल, बयान लागल, लेकिन मैं क्या बोलता हूं, मेरे जनता का आशीर्वाद जितना हुआ, आपका आशीर्वाद है तो मेरा कोई बात वाका नहीं कर सकता। भैया एक कलाकार आदमी हूं, जीवन का तीसरी बारी खेलने आया हूं आप सबके बीच में, और एक माँ ने अपने बेटे को आशीर्वाद दिया है, तिलक लगाया है लाल टीका से, और ये बोल के भेजी है मेरी माँ कि आज से हमारा बेटा काराकाट का बेटा हो गया। मैं आज भी अपने बेटे पवन को मारती हूँ, अगर गलती करता है तो बिल्कुल मार ले हमारे माई, हमके डांटे ले। तो उस अधिकार से मेरी माँ भेजी है आप सबके बीच में कि अगर पवन भविष्य में कभी गलती करने का सोच भी रखेगा तो मेरे गार्जियन, मेरे भैया, मेरे चाचा, मेरे बाबा, मेरी माँ, कान पकड़िएगा आप लोग और आदेश दीजिएगा कि पवन ये गलत कर रहे हैं, ये नहीं करना है, ये सही रास्ता है, इस रास्ते पे चलिए, तो मुझे वही करना है, आपके आदेश का पालन करना है मुझे जीवन। इंसान देखिए किसके नसीब में क्या लिखा है ये भगवान जानते हैं, सब उनके हाथ में है। इंसान एक जरिया होता है, बाकी आपका नसीब है, आपका मेहनत है, वही मेहनत रंग लाएगा। तो मैंने अपने जीवन में कभी ये नहीं देखा है, वो चाहे गायकी फील्ड हो, चाहे एक्टिंग का फील्ड हो, कि कोई लड़का या लड़की, कोई बहन या कोई भाई मेरे पास आया तो मैं उसे पूछूं कि तुम क्या हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा सरनेम क्या है। नहीं, मैं सिर्फ बच्चों का टैलेंट देखता था, देखता हूं और देखता रहूंगा कि हाँ इसके अंदर क्या टैलेंट है और इसके लिए क्या किया जा सकता है। मैंने जीवन में अपना यही काम किया है भैया, आप सबके आशीर्वाद से, बाकी तो उनके हाथ में है। मैं आप सबके बीच में एक कलाकार के नाते, एक भाई और एक बेटा के नाते यही बोलूंगा कि पवन के दिल में और दिमाग में ये नहीं रहता है कि तू कौन जात हो, तू कौन पात हो, तू कहां से हो, कौन धर्म क्या हो, नहीं। मैं अपने सिंगिंग लाइफ में, अपने एक्टिंग लाइफ में, आप लोग भी देखते होंगे कि पवन सिंह के जब गाना आवेला तो स्वर पवन सिंह आगे नाम कह रहे हैं। हेलो, जो भी स्टार लगता है सारे स्टार आप हैं। हेलो, काराकाट का परिवार, सब स्टार आप हैं। तो भैया आप सब के कृपा के आशीर्वाद से, आप सब के आशीर्वाद के ताकत में भैया पवन सिंह यहाँ पे जात पात की बात करने नहीं आया है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ मैं यही चाहूंगा, एक तो मैं छोटा हूँ, आप सब गार्जियन बैठे हैं मेरे सामने, आप लोगों को सिखाना है। मैं इस फील्ड का नया खिलाड़ी, मुझे सीखना भी है, आप सभी को सिखाना है, लेकिन मैं कोशिश यही करूंगा एक भाई और बेटा के नाते
कि केहू के दिल में जात और पात नहीं रहे, सिर्फ और सिर्फ इंसानियत रहे। और मेरे दिल से यही आवाज निकलेगा, इंसानियत जिंदाबाद।